मैं डॉक्टर एच पी सिंह कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन अज असी गल करांगे ऑस्टियोआर्थराइटिस बारे। आओ सब तो पहले जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज होती है, एक किसी भी जोड़ दे हो सकती है। ये सब तो मेन कारण की है, सानू कैसे पता लगता है कि सानू ऑस्टियोआर्थराइटिस हो? सानू दर्द होनी शुरू हो जाती है, साढ़े जोड़ों के राउंड बोर्ड सोज आनी शुरू हो जाती है, जिदे नाल असी जो साढ़े वड्डे जॉइंट्स इनवॉल्व होंगे ने जिवें गोडा चूड़ा रीढ़ की हड्डी, तो असी उहदे नाल की होंदा है कि असी चलन फिरन तो असमर्थ हो जाते हैं। यह फीमेल दे विच ज़्यादा कॉमन होंदी है मेल्स नालों। इनू असी जिहड़ी बिना किसी कारण तो स्टार्ट होनी शुरू हो जाए विद एज, उन्हों असी प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहने हाँ। दूसरी होंदी है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओह जिवें किसी कोई सट लगन के कारण कोई जोड़ खराब हो गया, जिवें असी गोडे के राउंड बोर्ड कोई सट लगी हो, चूड़े के राउंड बोर्ड कोई सट लगी हो, तो उस तो बाद वो जोड़ खराब होना शुरू हो जाए तो असी उन्हों सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहने हाँ। ये जिहड़ी डिजीज़ है जिहड़ी प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की असी गल करिए, तो यह मोस्टली 60 ईयर्स की एज तो अबव लोगों के पाई जाती है। बट जिवें दा अजकल साडा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है, असी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, असी ऑफिस तो घर आने आन के चौंकड़ियाँ मार के टीवी देखना शुरू कर देने, कितने कोई दर्द हो असी तेल या कोई ट्यूब लैके मालिश करनी शुरू कर देने, मार्केट चो मूव की ट्यूब लैन की कोई वॉलनी जेल लैन की तो असी मालिशा शुरू कर देने, या करे असी कोई देसी नुस्खे ला के मालिश, वो ये चीज़ा ज़्यादा एग्रीवेट कर दया ने तो साड़ी जी डिजीज़ में है वो वधांदिया ने। तो ये जी है असी ये चाहते हैं कि असी छेती तो छेती ठीक हो गए अपने काम काज से वापस चले जाइए। इस करके हुण जी डिजीज़ है ये 60 साल की उम्र तो कट के 40 साल की उम्र तो स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। ये अजकल 40 साल की उम्र तो स्टार्ट हो गई है, तो लोग मोस्टली जोड़े इफेक्ट हो रहे हैं वो 40 to 50 ज़्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं। अज असी जी गल करांगे असी गल करांगे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी बारे, क्योंकि ये बाकी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ स्पाइन नालों ये सब तो ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जेडे साडे गोडे ने ये पूरे अपने जो असी चलते हैं फिरते हैं ये अपने पूरे शरीर का भार इन्हां दे उत्ते आउंदा है, जिदे करके प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जी है वो गोडियां दे विच सब तो वध हुंदी है। इस करके असी जी मोस्ट कॉमन जॉइंट जो ऑस्टियोआर्थराइटिस दे विच इनवॉल्व हुंदा है वो नी हुंदा है, जिन्हों असी गोडा कहने जो है वह गोडा खराब किवें हुंदा, किन्नियां स्टेजेस दे विच डिवाइड हुंदा है, उहदे की साइन सिमटम ने, की मरीज नूं तकलीफां हुंदियां हन, ते किवें किवें असी उहनूं डिसाइड कर सकते हैं कि असी उहदी किहड़ी स्टेज ते किहड़ी ट्रीटमेंट करनी है ते असी उहनूं किवें ठीक करना है। सब तो पहला गल करिए कि इहदी स्टेजेस दी, ये 4 स्टेजेस दे विच डिवाइड हुंदा है, 1 to 4, स्टेज 1, 2, 3 and 4। जदों साडे कोल मरीज आउंदे हन ते मरीज दे जिहड़ियां कंप्लेंट्स लेके आउंदे ने वो लेके आउंदे ने दर्द, सोज, जकड़न, गोडा मूव ना करना, बेंड ना होना, गोडियां ते भार ना पैना, गोडियां दे विच कड़कड़ दी आवाज़ आनी, ये सारिया चीज़ा जिहड़ियां ने मरीज कंप्लेंट्स लेके आउंदा है। तो ज्यों ज्यों गोडे की एडवांसमेंट होंदी जाती है पेशेंट्स कई चीज़ा नगलैक्ट करते रहते हैं, दर्द की गोली खाते रहते हैं, तो हौली हौली करके उन्होंने जी लत्तां ने वो बाहर नूं वींगियां होनी शुरू हो जाती हैं, कई दे लत्तां अंदर नूं वींगियां होंदियां ने। बट मोस्ट कॉमन जिहड़ियां ने अपने इंडियन पीपल्स दे विच वो जिहड़े लत्तां ने वो बाहर नूं टेढ़ियां होने, तुसीं कई वारी वेख्या होगा कि कुछ लोग बजुर्ग जिहड़े ने चलदे ने उहनां दे लत्तां दे काफ़ी टेढ़ियां होंदियां, वो तां होंदा कि जे असीं उहनां नूं अर्ली स्टेजेस दे विच ठीक नहीं करदे, असीं देसी दवाइयां दे मगर तुरे फिरदे रहिंदे आ, असीं दर्द वालियां गोलियां दे मगर तुरदे फिरदे रहिंदे आ, असी वो खा लिया गुजारा कर लिया, तो वो फिर उस स्टेज दे विच आण के रिजल्ट्स भी जिहड़े ने बहुत घट हुंदे ने ते पेशेंट ज़्यादा तकलीफ दे विच रहिंदा है। हुण असी गल करिए स्टेजेस दी, सब तो पहला असी ये जानिए कि जिहड़ा साडा गोडा है वो नॉर्मल गोडा साडा की हुंदा है। आओ हुण जानदे हाँ कि साडा जिहड़ा गोडा है वो किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां तो बणिया हुंदा है।
सब तो उपर ए वाली हड्डी जिन्हों असी फीमर बोन कहने हैं, ए थले टीबिया बोन, ए पटेला जिन्हों असी चपड़ी बोन कहने हैं, ए साडा लिगामेंट मसल इनू असी साइड ते कर दिए तो जो असी गोडा फोल्ड करांगे, ए साडा अंदर कार्टिलेज, ए साडा मनिस्कस, ए थले टीबिया के उपर कार्टिलेज, ए साडे लिगामेंट साइड ते जिहड़े साडे गोडे नू फड़ के रखदे हन कि जिहड़ा गोडा वो अगे पिछे ना हो। हुण असी गल करिए कि साडा गोडा स्टेजिज़ दे विच किवें खराब होंदा है। ये जिहड़ी स्टेजिज़ ने ये साडियां गोडे दीआं स्टेजिज़ ने, वन स्टार्टिंग हैल्दी स्टेज होगी, सैकेंड स्टेज होगी, थर्ड स्टेज होगी, तो यह जो साड़ी फोर्थ स्टेज दे जो असी गोडा बदल के नी रिप्लेसमेंट करते हैं। सब तो पहला असी देखिए हम स्टेज वन, स्टेज वन दे विच की होंदा है कि जिहड़ी साड़ी ए गोडे की अंदर कार्टिलेज है यह बहुत सॉफ्ट हो जाता है, ये कोई हम तुसी देख रहे हो बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है, ये कोई निशान नहीं, कोई चरीट नहीं, कोई कुछ नहीं, ये बिल्कुल स्मूथ है। ये अंदर साइनोवियल फ्लूड होंदा है। हौली हौली जो स्टेज वन प्रोग्रेस करती है ये साइनोवियल फ्लूड जो घटना शुरू हो जाता है तो जो कार्टिलेज है वह ड्राई अप होना शुरू हो जाता है। ज्यों ज्यों असी स्टेज टू के एंटर करते हैं ये जो फ्लूड खत्म हो जाता है इतने हल्किया हल्किया जड़िया ने वो फिशर्स आने शुरू होते हैं जिन्होंने असं पंजाबी तरेड़ा कह दें। ज्यों ज्यों इतने डीजनरेटिव चेंजेस शुरू होंगे ने, तरेड़ा आदियां ने, फिर साडा जो गोडा सानू वो कुछ इस तरह दिखना शुरू हो जाता है। हुण तुसीं इत्थे देख रहे होवोगे कि इहदे विच तुहानूं कुछ हल्किया हल्किया रेड स्पॉट्स लाइनस दिखदियां होणगियां जिहड़ा कि साडा अंदर गोडा खराब होना इत्थे शुरू हो गया। एह मैं कंपैरिजन लई तुहानूं दिखावांगा, इह तुहाडा नॉर्मल गोडा, इह साडा ग्रेड टू है, ठीक है जी, जिहदे विच तुसीं देख रहे हो कि इह जिहड़ियां लाइनस रेड स्पॉट्स तुहानूं दिखदे होणगे, ठीक है। यह जो समूथ सरफेस खराब हो गया, यह साइड्स के उत्ते बोन के उत्ते ऑस्टियोफाइट्स बनने शुरू हो जाते हैं। जिहड़ा मेनिस्कस वाला पार्ट है यह भी अगे नालों थिन हो जाता है। जो जो अपने उत्ते फिशेज आते हैं आदियां ने, यह जिहड़ियां चीज़ां ने यह हौली हौली जो अपना गोडा ए करके चलता है यह थले ए उत्ते रगड़द, तो यह जो मेनिस्कस है यदि जी स्पेस है यह होर घटनी शुरू हो जाती है, यदि डीजनरेशन शुरू हो जाती है, तो यह पार्ट जोड़ा ये घसदा घसदा हौली हौली करके गोडा जोड़ा ए टर्न होना शुरू हो जाता। स्टेज टू के असी जो इनू असी जो ट्रीटमेंट करिए टाइम रहते असी डॉक्टर्स को चले चलीए, असी देसी इलाज ना करिए, असी डॉक्टर की सलाह लीए, तो असी इसे गोडे को इस स्टेज को फॉर फरदर 8 to 10 साल तक लिए इतने का इतने रोक सकते हैं। असी हुण अगे चलते हैं स्टेज थ्री दे विच। स्टेज थ्री दे विच हुण तुसी देखोगे कि इतने रेड स्पॉट्स रेड लाइनस तुहानूं ज़्यादा दिखणगियां, साइड उत्ते डीजनरेशन ज़्यादा दिखेगी, ऑस्टियोफाइट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, जिहड़ी मेनिस्कस वाला एरिया ये पहला नालों होर पतला हो गया। इस स्टेज नूं भी असी रोक सकते हैं फॉर फरदर 6 to 8 years जे असी टाइम रहिंदे डॉक्टर्स को चले चलीए, असी देसी इलाजां दे विच ना पईए। लास्ट एज साडी रह जांदी है जदों असी जिहनूं असी ग्रेड फोर कहिंदे आ, जिहदे विच पूरे दा पूरा पार्ट खत्म हो जांदा है, तो फिर असी ग्रेड फोर दे विच जिहड़ी हैगी है उहदे विच साडे कोल सिर्फ इक्को ही ऑप्शन रहिंदी है कि नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट इहनूं आपां कहिंदे उपर स्टील पोर्शन, थले स्टील पोर्शन, सेंटर दे विच प्लास्टिक पोर्शन। हुण तुसीं देखोगे कंपैरिजन करिए, इह साडा ग्रेड वन सीगा जिहदे विच सरफेस पूरा समूथ सीगा, यह साडा हुण जदों असी ग्रेड फोर दे विच आण के नी रिप्लेसमेंट की थी, तो असी इहनूं फिर वापस सारा समूथ सरफेस कर। साडा टारगेट ये हुंदा है कि जिहड़ा सरफेस है कार्टिलेज है उहनूं समूथ कर लिता जाए ताकि अपना जिहड़ा गोडा है वह पेन फ्री हो जाए, सोज घट जाए, कड़कड़ ना होवे, ते पेशेंट अपनी लाइफ जिहड़ी है हैल्दी लाइफ स्टाइल रहे, ते अपना वधिया तरीके की जिंदगी जीनी शुरू कर दे। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਸਟੇਜ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਜੋ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
गोडे की जी मांसपेशियां ने जो असी वर्जिश करनी है यह गोडे के उपर जी मसल्स ने जिन्होंने असं मांसपेशियां कहने यह मजबूत रहिंदियां ने गोडा अपने इतने फड़ के रख दियां ने ताकि यह गोडा आपस इतने प्रेशर ना पवे दबिया ना जाए तो अपना जो गोडा वो चली अगे फर्दर खराब ना हो। सैकेंड स्टेज के असी की करते हैं जी सैकेंड स्टेज सी सैकेंड स्टेज के हाइलुरोनिक एसिड इंजैक्शन होंगे ने जोड़े असं इंजैक्ट करते हैं। कई लोग उन्होंने साढ़े को आते हैं वो कहें जी असी टीके लवाए थे गोडिया के साड़ी तो सगों दर्द बढ़ गई सानू किसी ने डरा देता कि तुम गोडे टीके नहीं लगाने होर गोडे थोड़े तो खराब हो जाएंगे। इतने मैं गल क्लीयर करना चाहता कि जोड़े असी गोडे इंजैक्शन दें गोडिया के स्टीरॉयड नहीं लाते असी जी चीज़ इंजैक्ट करते हैं उन्होंने असी कहने हाइलुरोनिक एसिड जिड़ी मैं पहला गल दसी सी कि गोडे के अंदर जो साइनोवियल फ्लूड होंदा है जोड़ा गोडे के खत्म हो जाता है विद एज असी वो साइनोवियल फ्लूड वापस गोडे के अंदर रिप्लेस करते हैं जिद नाल साड़ी जी चिल्ली है यह सॉफ्ट होनी शुरू हो जाती है यह जड़िया त्रेड़ा आदियां ने यह वापस क्रैक्स जोड़े ने भरने शुरू हो जाते हैं तो उस तो बाद जो असी वर्जिश करते हैं तो अपना गोडा जोड़ा इतने फड़िया रहा है मांसपेशियां मजबूत होंदिया ने तो साडा गोडा जोड़ा है उत्थे दा उत्थे ही मजबूत होना शुरू हो जाता है जिद नाल साडा गोडा जोड़ा है डिले हो जाता है सानू दर्द खत्म हो जाती है साड़ी सोच खत्म होनी शुरू हो जाती है असी चलन फिरन के लायक हो जाते हैं। हुण तक असी अराउंड अबाउट 800 पेशेंट्स के हाइलुरोनिक एसिड के इंजैक्शन ला चुके हैं जिद नाल सारे पेशेंट्स हुण तक खुश है तो इस तरह असी गोडे को 6 to 8 साल लिए बचा सकते हैं। फर्दर मूव ऑन करते हैं असी ग्रेड 3 के चलेंगे। ग्रेड 3 के जिहड़ी साडी चिल्ली है वह होर ज़्यादा खराब हो जाती है साडे गोडे की असी एक्सरे जे करवावे तो साडे गोडे का एक्सरे सानू इस तरीके का दिखेगा एक साइड में होया होया ये साडे कल्ले इंजैक्शन काम नहीं करनगे ये सानू एक दो तरीके के ये असी ऑपरेशन होंगे ने पहला ऑपरेशन होंदा है PFO जिन्हों असी प्रोक्सीमल फिबुलर ऑस्टियोटमी कहने हैं। ये बेनीफिट्स ये होंगे ने कि पेशेंट जोड़ा है वह सेम डे खड़े होकर अपने घर जा सकता है वो असी की करते हैं जिमें असी एक्सरे देखते हैं कि पेशेंट का एक साइड का गोडा बंद है तो दूसरी साइड का जोड़ा गोडा है वो एक बनो मिडल कंपार्टमेंट जो सा खराब होंगे है वो असी बंद है असी वो की करते हैं फिबुला बोन के असी इतों 1 सेंटीमीटर जी है बोन कढ दें जो असी 1 सेंटीमीटर बोन कढ़ते हैं तो साड़ी जी है चिल्ली यह खुल जाती है तो वापस अपनी जगह पर लेवल पर आ जाती है तो 1 हफ्ते बाद असी जोड़ा है वो हाइलुरोनिक एसिड इंजैक्ट कर देने जिद नाल साड़ी जी चिल्ली फिर उस तरीके ही वापस ठीक होनी शुरू हो जाती है उसके मगर असी वर्जिश करते हैं तो 3 मंथ असी मेडिसिन का कोर्स करते हैं जिद नाल साडा जिहड़ा गोडा है अगले 8 to 10-12 साल तक बड़े वधिया तरीके नाल चल जाता है सोज बिल्कुल खत्म हो जाती है दर्द बिल्कुल खत्म हो जाती है। मूव ऑन करते हैं स्टेज 4 के उत्ते। स्टेज 4 के उत्ते कोई वर्जिश नहीं असर करती कोई हाइलुरोनिक एसिड इंजैक्शन नहीं असर करते कोई इंजैक्शन नहीं ऑपरेशन नहीं छोटा ऑपरेशन जिहड़ा असी दस्सिया PFO वो नहीं असर करता क्योंकि ये लत्तां जिहड़ियां बिल्कुल वींगियां हो जांदियां ने ते साडे कोल सिर्फ इक्को ही ऑप्शन रह जाती है नी रिप्लेसमेंट क्योंकि वो जो कार्टिलेज है पूरा पूरा डैमेज हो जाता है सिर्फ इक्को ही सोल्यूशन रह जाता है नी रिप्लेसमेंट। जिवें असीं सुणदे हाँ साडे कोल पेशेंट्स आउंदे ने जिन्हां नूं सिर्फ नी रिप्लेसमेंट की लोड़ होंदी है असीं उहनां दे विच स्टेजिस जिहड़े ग्रेड 4 दे विच होंदे ने असीं जदों उहनां नूं ये कहिंदे आ कि तुसीं नी रिप्लेसमेंट करवाओ तां पेशेंट डरदे ने जी असीं नी रिप्लेसमेंट नहीं करा सकते असीं उह देखिया साडा गुआंढी सीगा साडा रिश्तेदार सीगा जिहने गोडे बदलाए वो चल नहीं सके। इत्थे मैं गल क्लीयर करनी चाहवांगा कि जिहड़े असीं जदों गोडे असीं बदलदे हाँ उस तो बाद मरीज़ नूं वर्जिश करनी हुंदी है चाहे असीं वो गोडे बदले ने चाहे असीं गोडे दे अंदर इंजैक्शन दिता है चाहे असीं छोटा ऑपरेशन किया है उहदे विच मरीज़ नूं उस तो बाद वर्जिश करनी ही पैंदी है। जे पेशेंट वर्जिश नहीं करता तो इन्हां चीज़ां का कोई मतलब नहीं बनता असी वापस उत्थे दे उत्थे ही रहांगे। कई पेशेंट साडे कोल ये आउंदे ने कि तुसी सानू लत्तां वींगियां दे नाल नहीं असी ऑपरेशन नहीं करवाउणा असी उहनां दे एक्सरे करा के असी ये देखदे हां कि उहनां दी किन्नी क डैमेज है जे तां उहनां दा अंदर कार्टरेज ज़्यादा डैमेज नहीं होएगा तो असी उहदे विच वी कल्ले इंजैक्शन ला के
एक्सरसाइज करा के मेडिसिन खवा के तो पेशेंट की पेन घटा सकते हाँ, पेशेंट की सोज घटा सकते हाँ, असी वो गोडा ठीक कर सकते। असी किसी पेशेंट को ये नहीं कहते कि तुम आए हो साढ़े को असी थोड़ा गोडा ही बदला, असी पेशेंट की स्क्रीनिंग करते हैं किड़ा पेशेंट किड़ी स्टेज दे विच है उस दे अकॉर्डिंग असी ट्रीटमेंट करते हाँ। जे पेशेंट स्टेज वन दे विच है तो स्टेज वन दे अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होएगी, जे पेशेंट स्टेज टू दे विच है तो स्टेज टू दे अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होएगी, जे पेशेंट स्टेज थ्री ते है तो पेशेंट उहदे अकॉर्डिंग उहदी उह ट्रीटमेंट होएगी, तो जे पेशेंट स्टेज फोर दे विच है अकॉर्डिंग टू स्टेज फोर ही ट्रीटमेंट होएगी जो कि है नी रिप्लेसमेंट। तुहानू इस दे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होवे, कुछ भी तुहाडे सवाल होण, तुहानू कोई इस चीज़ विच क्लियरिटी ना होई होवे, तुसी सानू साढ़े नंबर ते 7009753775 ते संपर्क कर सकते हो। अपनी रिपोर्ट्स तुसी सानू व्हाट्सएप करदे हो कर सकते हो। तुसी साडी वैबसाइट ते जाके तुहानू होर फर्दर इनफॉर्मेशन चाहीदी होएगी इन रिगार्डिंग तो तुसी साडी वैबसाइट दे उत्ते जाके जो कि www.drhpsingh.com है तुसी उहदे ते भी जाके फर्दर इनफॉर्मेशन होर गैदर कर सकते हो, या साडे यूट्यूब पेज दे उत्ते असी इस तरह की एजुकेशन पेशेंट की एजुकेशन लिए वीडियोज़ अपलोड करते रहने हैं। तुसी उत्थे जाके सानू सबसक्राइब करो ताकि तुसी उत्थों जिहड़ी है इनफॉर्मेशन ले सको, जिहड़ी असी कोई नवी पोस्ट करांगे तां तुसी अप टू डेट रहो कि तुसी किवें अपनी गोडे बचाने ने, या तो कोई होर कंप्लेंट है तो तुसी किवें उन्हूं ठीक रखना है। थैंक यू, धन्यवाद।